हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको पिनेकल की एसएससी की, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स की मैंने यहाँ पे बताया था, रिव्यू दिया था एक महीना पढ़ने के बाद। अब मैंने यहाँ पे जनरल स्टडीज़ को यहाँ पे पढ़ा, एक महीना पढ़ा मैंने, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बुक किस स्तर पर है और आपको ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कितने की बुक पड़ती है, इसमें इंडेक्स कैसा है, सिलेबस कैसा है, और किस तरीके से ब्रीफ में यहाँ पर डिवाइड किया गया, चीज़ों को दिया गया है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पिनेकल एक काफ़ी डिमांडिंग बुक है इस समय, जो कि एसएससी एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग बुक है, क्योंकि ये बुक जो है ना सिर्फ और सिर्फ टीसीएस जो क्वेश्चंस है, मींस कहने का जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब जो अब सीबीटी मोड के पेपर्स हैं उस पर बेस्ड भी है। जितने भी जब से आपका सीबीटी चल रहा है तब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा रहा है और उन्हीं के क्वेश्चन को यहां पर इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है, तो एसएससी को ज्यादातर यहां पर जो है टारगेट कर रहा है पिनेकल। ठीक है, फोर्थ एडिशन यहाँ पे आ चुकी है जो कि 2023 की अगर हम बात करें, फरवरी 2023 में आई थी। इसमें आपको हर प्रकार के आल टीसीएस आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी एसएससी एग्जाम्स के हैं फरवरी 2023 तक अभी तक जितने भी टीसीएस के पूछे गए हैं 6500 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलने वाली है, काफ़ी अच्छे में काफ़ी ब्रीफ बुक दी हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की ऑर्डर किया था, हिंदी मीडियम की भी आती है, प्राइस वही है आपकी, प्राइस जो है आपको 499 रुपये में ये मिल जाती है। अगर हिंदी मीडियम लेंगे तो 450 तक मिल जाएगी। ठीक है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, थोड़ा सा छूट वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एसएससी से अगर आप हैं तो उसमें चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीए हो, चाहे सीएचएसएल, चाहे जेई की बात करें, चाहे एमटीएस की बात करें, चाहे जीडी, स्टेनो, डेली और सिलेक्शन पोस्ट और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स को जो है यहाँ पे देखा जा सकता है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बुक में जाते हैं ना, इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो मैथ्स वाली मैंने रिव्यू दिया था उसको देख लीजिएगा, चैनल पर है। इंडेक्स में सबसे पहला पन्ना आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसमें देखिए सबसे पहले आपको इंडेक्स में ये बताया जाता है कितनी चीज़ें यहाँ पे आपको इलेबोरेट है। ठीक है, टोटल स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको बुक में नहीं दिया है, क्यूआर कोड दिया है, क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेज नंबर की बात कर लें, पेज नंबरिंग भी दिए कितने, मतलब जैसे स्टैटिक जीके अगर है तो कितने क्वेश्चन है स्टैटिक जीके की, पॉलिटी अगर है तो पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए टोटल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 557 पेज में 6000 प्लस मीन 6772 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में देखिए क्या क्या देखने को मिल जाता है आपको। सबसे पहला डांस, ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको डांस देखने को मिल जाएगा, फिर आर्ट पर्सनालिटी है, अवार्ड से संबंधित है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, फेस्टिवल त्यौहार से, फेयर से, सॉन्ग से, पेंटिंग से, ड्रेस्ट है, और इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कौन है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ पेज नंबर और क्वेश्चन कितने कितने हैं, फिर स्पोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, फेमस पर्सनालिटी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है, कौन से दिन क्या चीज़ कौन सा त्यौहार पड़ता है, सब कुछ स्टैटिक जीके है। ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के बारे में बात हुई है, वर्ल्ड की जो जीके उसके बारे में बात की गई है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बात की गई है, और फुल फॉर्म जो एब्रिविएशंस होते हैं किस चीज़ का क्या फुल फॉर्म होगा, ये सब कुछ आपको टोटल 18 चैप्टर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं, अरे 25 क्वेश्चन है, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस, अवार्ड्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, एंटरटेनमेंट स्कीम और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जिसका कोई टॉपिक ही नहीं होता है। हिस्ट्री की अगर बात कर ले तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंशियंट के पास मेडाइवल देखने को मिलेगा, मेडाइवल के बाद आपको यहाँ पे सामने जो है मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जो ओल्ड 1857 आप देख सकते हैं, गवर्नर, वाइस रॉय, ब्रिटिश पॉलिसीज, पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, गांधीयन ईरा, सब कुछ कितने कितने क्वेश्चंस है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। अगर देख सकते हैं आप तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बता दें आपको एंशियंट हिस्ट्री में 10 चैप्टर्स है, मिडाइवल में आपके 9 चैप्टर्स है, और साथ ही साथ 19 चैप्टर्स हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर्स हैं। पॉलिटी में आएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेगा, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, आर्ट जो है शेड्यूल पार्ट लिस्ट देखने को मिलेगी, अमेंडमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, आर्टिकल्स देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, पार्लियामेंट, मतलब 11 चैप्टर्स टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में देखिए सबसे सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखने को, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, कॉन्टिनेंट, ओशंस, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ सॉइल्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ट्रांसपोर्टेशन, पॉपुलेशन, एटमॉस्फेयर, रॉक्स, माउंटेन, वोल्केनो, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैप, मतलब 22 चैप्टर्स ज्योग्राफी के आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ यार कवरअप किया गया। कंटेंट भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कंटेंट दिया है, पहले इंडेक्स देख लीजिए कितना डिटेल में इंडेक्स बनाया गया ना, ये चीज़ देख के मेरे को अच्छा लगा कि जब आप इंडेक्स देखते हो ना, मतलब यार जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम का, आप यहाँ पे आओगे, जैसे इकोनॉमिक्स में आप गए, ठीक है, आपको बैंकिंग पढ़ना है, ठीक है, बैंकिंग या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे ढूंढते चलाइए। देखिए यहाँ पे अगर बैंकिंग देखिएगा, जैसे देखिए ये देखिए मनी बैंकिंग आपको मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, मतलब जो भी आप टॉपिक ढूंढोगे ना तुरंत आपको मिल जाएगा, इतनी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है, और कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बारे में है, नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बजट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, नवरत्न किसे कहते हैं,
महारत्न किसे कहते हैं, पीएसयूज कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन से स्टार्ट हुई अभी तक 2023 तक, फाइव ईयर प्लान्स में क्या क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चीज़ें हैं, स्टॉक है, फॉरन ट्रेड है, फिस्कल डिफिशियंसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी है, ये मतलब सब कुछ है डिटेल में एकदम दिया हुआ है। 13 चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब फिजिक्स, फिजिक्स की बात करें, ये साइंस का कंसेप्ट है, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह तीनों मिलेगी, फिजिक्स में आपके लाइट है, ऑप्टिक्स है एंड हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ पे, देखिएगा मेन चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, फोर्स एंड प्रेशर, साउंड एंड ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही साथ आगे चले वर्क एनर्जी, वेव्स, रेडियो एक्टिविटी, 10 चैप्टर्स आपको फिजिक्स के मिल जाते हैं, 13 चैप्टर सॉरी मिल जाते हैं। डिस्कवरीज है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में चले तो एटम से रिलेटेड है, मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, साल, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, गैस लॉ, केमिकल प्रॉपर्टीज, सोल्यूशन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कॉमन नेम मिसलेनियस, डिस्कवरीज कौन कौन किया, मतलब सब कुछ किस पेज पे क्या है, कितने प्रश्न है, सब कुछ। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम, न्यूट्रिशन, प्लांट, एनिमल डिफिशियंसी, डिजीज, रिप्रोडक्शन, सेल, सेंसरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब सब कुछ 22 चैप्टर आपको बायो के मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें ना, तो करंट अफेयर्स देखिए यहाँ पे बुक में नहीं दिया, एक्चुअल में पेजेस में नहीं दिया, यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया, ठीक है। क्यूआर कोड अगर आपको नीड होगी टेलीग्राम में आप लोग कमेंट करिएगा या यूट्यूब पर कमेंट करिएगा, मैं आपको क्यूआर कोड दे दूंगा, जैसे आप स्कैन करेंगे ना आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा, जो ऐसे जो पीडीएफ है खुल जाएगी, स्पोर्ट्स, स्पेशल डेज, अवार्ड्स, पर्सन, देखिए करंट अफेयर्स अपडेटेड लोग देते हैं तो इस वजह से क्यूआर कोड दिया गया, ठीक है, नहीं तो करंट अफेयर्स पुराना हो जाता है। अब देखिए आते हैं भाई साहब कंटेंट पे, कंटेंट पे जैसे देखिए 2000 पेज मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके में देखिए यहाँ पे डांस दिया हुआ है ना, डांस है, डांस में देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न एक देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात, इसमें से कौन सा जो है फोक डांस है जो गुजरात से बिलोंग नहीं करता है। ये भैया देखिए सीजीएल में आ चुका, कब आया ना ये चीज़ बताया, सीजीएल जो है 1 तारीख जो है 12वां महीना 2022 में सेकंड शिफ्ट में सीजीएल में आ चुका है, इसका जो है विदेशी डांस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन तो विदेशी आसान यहाँ पे हो गया, ये एक फोक डांस है, अब बिहार का एक फोक डांस है, ठीक है। अदर डांस फॉर्म ऑफ बिहार के जो भी है यहाँ पे, जैसे कि जजतीन है, झुमरी है, झिझिया है, कजरी है, और पाइका है, समा है, चकेवा है, ये सारी चीज़ें, और गुजरात के कौन कौन से डांस है, मतलब जो भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए हैं ना उससे रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर किसी स्टेट की बात हुई ना तो पूरी स्टेट को खंगाल के रख देगा, इतनी डिटेल में दी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच आर द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन द फेस ऑफ सिंबलाइज द कैरेक्टर्स, ऐसा कहाँ इंडिया में जो है क्लासिकल डांस है जो कि सिंबलाइज करने के लिए अपने चेहरे पे जो है यहाँ पे कलर्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो सीजन में आ चुका 2022 में थर्ड शिफ्ट में, तो यहाँ का आंसर देखिए, आंसर तुरंत नीचे दिया हुआ कथकली, फिर उसको तुरंत डिस्क्राइब किया गया, इज अ फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट कोरियोग्राफी एंड एलेबोरेट मेकअप कॉस्ट्यूम्स, मतलब उसके बारे में जो आंसर है कथकली उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया, फिर केरल की भी बात कर लिया, मतलब सब कुछ यार यहाँ पे बताया गया, काफी डिटेल में चीजें हुई हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, जैसे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड ऑफ द विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, से कौन सा डांस फॉर्म एसोसिएट करता है, ये सीजन में आ चुका फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। देखिए भुया डांस इसका हो जाता है, अब भुया देखिए एक फोक डांस है, अरुणाचल प्रदेश का डांस है, किसके द्वारा किया जाता है, अदर डांसेस अरुणाचल प्रदेश के भी देखिए काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चीज़ से बताई गई, ठीक है। अदर डांसेस भी अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई, मतलब कहने का ये है कि मतलब सब कुछ काफ़ी डिटेल में है, आप इससे जो है काफ़ी ये बुक लेंगे ना तो भैया एकदम पैसा वसूल किताब है, सारी नॉलेज आपको अच्छे से मिलने वाली, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, पीडीएफ सही से बन नहीं पाया था, लेकिन आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया, जो मैं जब मैं पढ़ रहा था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगी पूरी हाईलाइट किया, ठीक है। फिगर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, फिगर नहीं मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके लूसेंट होती है ना एकदम उसे डीप में सब कुछ दिया, लूसेंट से भी कई ज़्यादा गुना डीप में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक उठाया उसने काफी अच्छे से यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये तो बात हुई भाई साहब स्टैटिक्स की, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए कंप्यूटर में जैसे समझते हैं, कंप्यूटर में जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे पूछा था फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पोरेरी फाइल, टेम्पोरेरी फाइल का एक्सटेंशन कौन है, इसमें से ये सीएचएसएल में आ चुका है, देखिए साफ साफ लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन जब आया ना कोई मतलब वही बता रहे हैं जो टीसीएस के प्रश्न है ना वो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे सब कुछ है, कौन सा प्रश्न कब आया है ये चीज यहाँ पे बताया, 2021 मॉर्निंग में सीएचएसएल में आ चुका है, यहाँ पे आंसर डॉट टीएमपी हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन है ऑफ अ टेम्पोरेरी फाइल का, द फुल फॉर्म ऑफ जेपीजी और GPEG का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो काफी अच्छी तरीके से जैसे देखिए डैश इज एन ऑर्डर लिस्ट इन द विच ऑल इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर मेड एट वन एंड, ये आपका सीएचएसएल में आ चुका 2021 में, इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। अब स्टैक क्या है ये भी उन्होंने बता दिया, ठीक है। कंप्यूटर में भी आपको काफी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कंट्रोल कीज़ वगैरह सब कुछ काफी डिटेल में, इंडेक्स तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में जैसे एंशियंट में कई सारे चैप्टर्स थे, एंशियंट में ही अगर हमको यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक सवाल, जैसे देखिए यहाँ पे सवाल है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ठीक है, ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया, किस पीरियड में जो है ऑस्ट्रिचेस पाई जाती थी इंडिया में, इस सीजन में देखिए 2022 में आ चुका, सीजन 2022 में आ चुका। अब देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना, ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया जा रहा है, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, मीसोलिथिक उससे रिलेटेड जो भी है, जैसे कि आपको देखिए पैलियोलिथिक भी होता है, मीसोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है, चाल्कोलिथिक होता है, अभी चारों को डिस्क्राइब करके ना काफी अच्छे से बताएगा। देखिए पूरा यहाँ पे देखिए 8 से 10 लाइन में डिस्क्राइब किया, मतलब तुरंत आंसर, तुरंत डिस्क्रिप्शन, मतलब सब कुछ
हमेशा पढ़ते चाहिए, ठीक है। ये पूरा भैया आपका एंशियंट इस तरीके से हिस्ट्री दिया हुआ है। बायोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो बायोलॉजी में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, सोलेनम लाइको पर्सियम पर्सिकम एल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली कंज्यूम्ड वेजिटेबल्स। ये सिचुएशन में 2022 में आ चुका है, ठीक है, आफ्टरनून में आया था। आंसर हो जाएगा टोमेटो। अब टोमेटो का नाम क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। फिर पोटैटो का क्या नाम है, ओनियन का क्या नाम है, गार्लिक का क्या नाम है, जो इंपॉर्टेंट है ना सब कुछ यहाँ पे कर दिया। विटामिन से सवाल देखेंगे, विटामिन में सब कुछ आप एक्सप्लेन कर देगा, मतलब एक्सप्लेनेशन साथ साथ आंसर्स, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक जीके में भी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे काफ़ी इंडेक्स डिटेल में है, जो भी चैप्टर्स थे काफ़ी डिटेल में है, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने जो है यहाँ पे ऑन वीडियो बनाई थी, लेकिन उस समय काफ़ी साफ नहीं दिख पा रहा था, इस वजह से मैंने इस समय इसकी PDF बनाया, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेके इसकी फोटो खींच के मैंने बुक की PDF बनाया। जो मैंने पढ़ा, मैंने एक्सपीरियंस बताया, बुक काफ़ी अच्छी है, पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल किताब होने वाली है, ठीक है। ऐसी किताब मैंने अभी तक नहीं देखी थी, तो काफ़ी अच्छी बुक है यार, मैं यहाँ पे आँख मूंद के कह सकता हूँ आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप खरीद सकते हो, अगर ऑनलाइन आप खरीदना चाहो तो। ऑफलाइन चाहिए तो मार्केट में जाइए, और इस तरीके का पेज आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो दिखा सकते हो, पिनाकल SSC जनरल स्टडीज़, और इसको आप हिंदी में भी जो है सामान्य अध्ययन करके जो किताब आएगी ले सकते हो। 4th edition के नाम से 2023 में आई है, 6500+ TC सबसे क्यूज़ है, कुछ इस तरीके की दिखती है, आप इसको खरीद सकते हो जाके, ठीक है। बुक काफ़ी अच्छी है, पढ़िए आप, और इंडेक्स वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया, शेयर कर दिया है। अभी देखिए कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे और रीजनिंग की भी मंगाई हुई है, रीजनिंग एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूँ रीजनिंग वाली, तो उसकी भी मैं जैसे ही उसकी जो है पे रिव्यू देने वाला हूँ, जल्द ही आपको मिल जाएगा, और मैथ्स की मैंने दे ही दिया था, और फिर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसकी जो मुझे अच्छी लग रही है वो मैं मंगाऊंगा, उसको पढ़ के आपको इसको जरूर से जरूर जो है यहाँ पे रिव्यू देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी अगर इसके अलावा भी सवाल हैं आपके पास तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।